This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. जी बच्चे, हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन में कंसोलिडेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था. उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे. आज से हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, इसे कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए क्या क्या कैलकुलेशंस होंगी, आज हम इंशाल्लाह उन्हें अच्छे तरीके से समझेंगे. और कुछ सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, वो हम सॉल्व भी करेंगे क्लास में. ठीक है ना बच्चे? तो आप लोग तैयार हैं, स्टार्ट करें. सर कल वाला भी सक्सेस से रिवाइज करवा दें, कल क्लास नहीं की थी, कॉलेज आए हुए थे. जी बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ सारा रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक हो गया ना? आप समझे, ये फर्स्ट क्लास है और कंसोलिडेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी बच्चे, हम स्टार्ट करने लगे हैं बच्चे फर्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल नंबर वन, 31 दिसंबर 2018. अच्छा, अब मैं आपसे साथ साथ स्टेप्स भी पूछता जाता हूं. IFRS 3 के हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे, मैं रिकॉल कर रहा हूं. याद कीजिएगा पहला स्टेप, स्टेप वन. मुझे बताना है, आपने लिखा पड़ा हुआ है, मैं वो ओपन कर सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों से रिकॉल करवाना था. स्टेप वन हमने क्या पढ़ा था? आइडेंटिफाई द एक्वायरर, याद है ना आपको? हमने आइडेंटिफाई करना है कौन एक्वायर कर रहा है, आइडेंटिफाई द एक्वायरर. साथ साथ हमारे MCQs भी प्रिपेयर होते जाएंगे. आइडेंटिफाई द एक्वायरर, एक्वायरर कौन है मुझे बताएं. इन द गिवन सिचुएशन हु इज द एक्वायरर? पेरेंट. पेरेंट इज द एक्वायरर. स्टेप वन, ये कोई हमें जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है, MCQs की प्रिपरेशन के लिए साथ साथ आपको वो भी बताता जा रहा हूं. अच्छा बच्चे, स्टेप टू. शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी. डेट ऑफ एक्विजिशन मुझे बच्चों ने बताया, बिल्कुल ठीक हो गया. जजाकल्ला. डेट ऑफ एक्विजिशन मुझे बताइएगा, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन? 31st December 2018. That is the same date at which we are going to prepare the financial statement. जो हमारी reporting date और acquisition date same है. अब इसके बाद जितने भी हम questions करेंगे, उनमें देखेंगे reporting date different होगी, acquisition date different होगी, तब हमारा question ज्यादा complex हो जाता है. अभी तो बड़ा simple सी example हम समझ रहे हैं. अच्छा जी बच्चे, step one भी कर लिया, identify the acquirer. Who is the acquirer? P is the acquirer. Date of acquisition 31st December 2018. अच्छा जी, P purchased the entire shareholding. अब ये step तो नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइएगा wholly owned है या partially owned? Wholly owned है sir. Wholly sir. बिल्कुल ठीक. बस wholly owned. हमने कल ये बात समझी थी कि अगर parent subsidiary के तमाम shares acquire कर ले, 100% voting shares acquire कर ले. मैं बार बार कह रहा हूं वोटिंग शेयर एक्वायर कर, तो वो होली ओन कहलाती है. इसे हम कहते हैं जी कि ये इस पेरेंट 100% सब्सिडरी को कंट्रोल कर रही है, या 100% सब्सिडरी कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट. अच्छा, कितने में खरीदे जा रहे हैं? आज से याद रखिएगा, इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. क्या वर्ड बोलेंगे इसके लिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. Cost of
एक्विजिशन, ये वर्ड क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मुझे बताइएगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एट व्हाट प्राइस पेरेंट एक्वायर द सब्सिडरीज ऑल शेयर्स ₹40,000। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक हो गया, जजाकल्ला। द इंडिविजुअल, अब आपको याद है ये इंडिविजुअल हमने क्या वर्ड बोला था, इसे हमने कहा था या तो हम इसे कहेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हम इसे कहते थे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों में से कोई भी वर्ड बोल रहा है वो कहता है या तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसकी कल आपको एग्जाम्पल याद होगी, मैंने कहा था पेरेंट की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडरी की ये, लेकिन एग्जामिनर हमें जब क्वेश्चन देता है एग्जाम में तो वो दोनों को कंबाइन करके दे देता है। अब है दोनों स्टैंड अलोन, ये भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे अभी हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अभी एग्जाम्पल में देख लेते हैं बच्चे, अब देखिएगा ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है पेरेंट की और ये स्टेटमेंट है सब्सिडरी की। इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है रुपीज इन थाउजेंड्स में। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कल हमने पहले ही डिसाइड कर दिया था, हमने कहा था हम पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फर्स्टली, देन वी विल मूव कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। तो हम लोग अभी फॉर द टाइमिंग किस टॉपिक को स्टार्ट करे हुए हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा बच्चे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट पेरेंट के हैं 120, सब्सिडरी के हैं 40। अब ये लाइन आइटम है, अब इसे हमें क्या करना है, ऐड कर देना, पेरेंट प्लस सब्सिडरी ग्रुप बन जाता है ना, शाबाश। इन्वेस्टमेंट इन एस एट कॉस्ट, इसका क्या करेंगे जरा मुझे जल्दी से सोच के बताइएगा, कल मैंने आपको ये दो बातें लिखवाई थी सिर्फ, हमने कहा था लाइन आइटम्स को ऐड करना है, नॉक ऑफ करना है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इन द बुक्स ऑफ पेरेंट Against the net assets of the subsidiary, याद आ गई बात? Investment in subsidiary को हमने knock off करना है, eliminate करना है, किसके साथ बच्चे? Net assets of the subsidiary के साथ। अच्छा बच्चे आप लोगों को voice issue तो नहीं है? Can you hear me clearly? Because I yes sir. ईसा खान, वो कह रहे हैं कि voice issue आ रहा है आपके end पे। आप लोगों के साथ तो नहीं है ऐसा कोई इशू? जजाकल्ला। तो फिर उसे मैसेज कर देते हैं कि भी आप के एंड पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, माइट बी पॉसिबल। ठीक हो गया जी बच्चे? चले जी बच्चे, जजाकुमुल्लाह खैर। तो बच्चे हम इसे क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे किसके साथ, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी के साथ, इसके साथ। ठीक है ना बच्चे? अच्छा बच्चे नेक्स्ट, करंट एसेट लाइन आइटम्स पेरेंट प्लस सब्सिडरी ऐड कर देंगे हम, ये भी पेरेंट प्लस सब्सिडरी हम इसे भी ऐड कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। मुझे बताइएगा सोच के, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर कैपिटल जस्ट किसका प्रेजेंट होता है? पी का, पेरेंट का। शाबाश, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग के लिए हम अकाउंट बनाते हैं सीआरई का, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग, आज बनाना भी सीखेंगे इंशाल्लाह हम लोग। अच्छा करंट लायबिलिटीज, पेरेंट प्लस सब्सिडरी, पेरेंट प्लस सब्सिडरी इनको सम कर देंगे, लाइन आइटम है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है किस डेट पे, 31 दिसंबर 2018। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पूरे पूरे स्टेप्स में बताऊंगा। आपने सबसे पहला काम इसका फॉर्मेट बनाना, ठीक हो गया जी बच्चे? सबसे पहला काम क्या है बच्चे, जिसकी सेम ट्रीटमेंट हो उसे लाइन आइटम कहते हैं। एक जैसे ये सारी की सारी लाइन आइटम्स है, अभी फॉर द टाइमिंग ये चीज समझे, मैंने आपको कहा था सिंपल रह के बात समझनी है। ये नॉन करंट एसेट लाइन आइटम है, सिमिलर इफेक्ट है दोनों में, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन एस और नेट एसेट्स का सिमिलर इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना? तो ये एक लाइन आइटम। अच्छा बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सबसे पहले क्या बोलेंगे बच्चे, वर्ड बोलेंगे पी ग्रुप। क्या वर्ड बोल रहे हैं? पी ग्रुप।
नेक्स्ट हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा बच्चे, हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड होती है सवाए एक स्टेटमेंट के, वो एज एट है। और वो कौन सी स्टेटमेंट होती है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दिसंबर 31st 2018। सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना। इसके बाद बच्चे आपने डिनोमिनेशन लिखनी है, रुपीज इन थाउजेंड्स। आपको मेरी कल की बात याद है, मैंने आपसे क्या कहा था, एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दे आपने आंसर भी उसी फॉर्मेट में करना है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। एग्जामिनर खुद से मेंशन कर दे कि फॉर्मेट आपने ये यूज करना है, देन फिर आप वो फॉर्मेट यूज करेंगे। जब एग्जामिनर कुछ मेंशन ना करे तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो आंसर भी उसी फॉर्मेट में करना। अच्छा बच्चे, अब आपने सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, ये फिगर लिखनी है। नॉन करंट एसेट्स की फिगर क्या बच्चे, 120 + 40, तो ये फिगर लिख ले। इसको भी टोटल नहीं करना, आपने टोटल एंड पे करना है क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आनी है। तो अभी एडजस्टमेंट तो है नहीं इस क्वेश्चन में, अगर होंगी तो वो हम साथ साथ एडजस्ट करते जाएंगे। नॉन करंट एसेट की फिगर भी लिख ली बच्चे। इन्वेस्टमेंट इन एस, इसने तो इलिमिनेट होना है, इसको तो हमें ऐड नहीं करना। करंट एसेट ये लाइन आइटम आपने एक से दो लाइन छोड़ के फिर लिखना है ये वर्ड। समटाइम ऐसा होता है कि कोई और भी फिगर आ जाती है तो फिर हमें वो लिखनी होती है, तो वो हमारे पास इतनी स्पेस हो कि हम आसानी से लिख सके करंट एसेट्स। अच्छा बच्चे मुझे बताइए, अगर करंट एसेट पेरेंट प्लस सब्सिडियरी 40 + 10, 40 + 10। इसके बाद बच्चे हम टोटल टोटल एसेट्स यहां पे लिख देंगे। एक एक लाइन दो दो लाइनें छोड़ के हम फॉर्मेट बनाते जा रहे हैं। इसके बाद बचे नेक्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जस्ट पेरेंट का रिपोर्ट होना है। मुझे बताइएगा शेयर कैपिटल की फिगर कितनी आएगी। जी मैं वेट कर रहा हूं आपके रिस्पांस का। 100 is to be reported in the consolidated statement of financial position exactly। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों ने बताया 100 rupees आएगी बिकॉज शेयर कैपिटल इज द, जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, शेयर कैपिटल पेरेंट की फिगर सिर्फ यहाँ पे रिपोर्ट होती है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में। अच्छा जी नेक्स्ट, अब सीआरई कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग या इसे ग्रुप रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। अच्छा जी बच्चे नेक्स्ट हम फॉर्मेट अपने क्वेश्चन से देख के बना रहे हैं। उसके बाद करंट लायबिलिटी, सिंपल लाइन आइटम है, एक से दो लाइनें छोड़ के मैं लिख रहा हूं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज की बचे फिगर 50 + 10, 50 + 10, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद एट द एंड हमने ये टोटल कर देना है, ये टोटल फिगर कहलाएगी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब हम वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। वर्किंग देखिएगा बच्चे, सबसे पहली वर्किंग, वर्किंग नंबर वन, वो क्या है, ग्रुप स्ट्रक्चर की वर्किंग। सब्सिडरी को पेरेंट ने एक्वायर किया कितने परसेंट, 100%। अच्छा आपको याद होगा मैंने कहा था कि जितना रिमेनिंग पोर्शन होता है वो एनसीआई का पोर्शन कहलाता है। लेट्स सपोज कल की एग्जांपल याद कीजिएगा, मैंने कहा था पेरेंट अगर सब्सिडरी के 80% वोटिंग शेयर्स एक्वायर करे तो बताइएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट
वो पोर्शन वोटिंग शेयर्स का जिस पे पेरेंट कंट्रोल नहीं रखता वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहलाता है। अब इन द गिवन सिचुएशन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना बनेगा बच्चे बताइएगा? नॉन कुछ भी नहीं था, शाबाश 20%, क्योंकि 80% उसने एक्वायर किया, बाकी 20% जो होगा वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा अब हम अपनी एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। अब इस सिचुएशन में देखें, पेरेंट ने सब्सिडियरी को 100% एक्वायर कर लिया, अब बताएं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है? सर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश, बिल्कुल सही। डेट ऑफ एक्विजिशन बताइएगा मुझे, 31 दिसंबर 2018, ये हमारी पहली वर्किंग मुकम्मल हो गई। अच्छा अब वर्किंग नंबर टू, हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट बनाना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट बनाना। अब देखिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट बनाना सिखाने लगा हूं मैं, जरा तवज्जो कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अकाउंट में हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसे कंसीडरेशन भी कह देते हैं समटाइम, तो आपको दोनों बातों का पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कंसीडरेशन पेड, ये बच्चे सब्सिडरी का शेयर कैपिटल जितना पेरेंट ने एक्वायर किया वो आएगा। सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम जितना पोर्शन पेरेंट ने एक्वायर किया वो आएगा, और यहां पे वर्ड बोलते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। अभी मेरे से सवाल नहीं पूछना प्री एक्विजिशन रिजर्व्स क्या होता है, बाद में बताऊंगा। अभी मैं यहां पे इसको इरेज करके वर्ड लिखने लगा हूं रिटेन्ड अर्निंग, अभी समझाऊंगा इसको, ये मैं अगली एग्जांपल्स में यही बात मुझे समझानी है डिटेल, रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये रिटेन्ड अर्निंग किस डेट पे लेनी है? एक्विजिशन डेट पे। किस डेट पे? जिस दिन पेरेंट सब्सिडियरी को एक्वायर कर रही है उस दिन लेनी। अच्छा अब इसके बाद अगर कोई और एडजस्टमेंट हुई तो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, अभी फिल वक्त नहीं है तो नहीं कर रहे। इसके बाद हमने इसका टोटल करना है, बैलेंसिंग फिगर अगर तो इस साइड पे आई तो वो बैलेंसिंग फिगर होगी गुडविल की, ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी। ऑपोजिट साइड पे आएगी तो क्या कहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ये आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन, मुझे आपने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की फिगर बतानी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की फिगर क्या, जल्दी से बताइएगा? 40,000 सर। अच्छा अब एक और रूल याद रखिएगा, हम क्वेश्चन का आंसर रुपीस में कर रहे हैं या रुपीस इन थाउजेंड्स में? रुपीस इन थाउजेंड्स, रुपीस जिसमें बच्चे आपने आंसर करना है। याद रखिएगा आपने वर्किंग भी उसी डिनोमिनेशन में करनी है, आपसे गलती हो जाती है समटाइम, क्या करते हैं बच्चे आंसर फॉर्मेट बना रहे हैं रुपीज इन थाउजेंड्स में स्टेटमेंट, जब वर्किंग करते हैं तो फुल रुपीस में कर लेते हैं। अब क्या है एग्जाम प्रेशर होता है, वर्किंग करके जो पूरा पूरा आंसर होता है वो एज इट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिख देते हैं, वर्किंग नीचे फुल फ्लेज कर दी क्योंकि एग्जामिनर भी हमें कंफ्यूज कर रहा होता है। एग्जामिनर जब एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है तो पूरी रुपीज में फिगर्स दे देता है और कुछ फिगर्स मिलियंस में दे देगा, हमें जानबूझ के कंफ्यूज करें, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। रूल याद रखना है जब भी आप वर्किंग करेंगे जिस डिनोमिनेशन में आपने आंसर करना है उसी डिनोमिनेशन में वर्किंग भी करनी है, ठीक हो गया ना बच्चे? तो अब मुझे बताइएगा यहाँ पे जस्ट 40 लिखूं या 40,000 लिखूं? 40, शाबाश, बिल्कुल सही हो गया जी। अच्छा बच्चे अब देख लेना आपके सामने एग्जामिनर ने 40,000 यहाँ पे मेंशन किया और यहाँ पे 40 लिखा हुआ है क्योंकि ये डिनोमिनेशन में रुपीज इन थाउजेंड्स में इंफॉर्मेशन है। अच्छा बच्चे अब शेयर कैपिटल जितना पेरेंट ने एक्वायर किया वो बताइएगा, उसका बड़ा आसान हल है, बहुत आसान। देखें सब्सिडरी का शेयर कैपिटल की फिगर कितनी है, मुझे ये देख के बताइएगा। सब्सिडरी के शेयर, ये शेयर कैपिटल है ना, और ये सब्सिडरी का, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है? 30, कितना है? 30। अच्छा इस 30 को अब आपने मल्टीप्लाई करना है जितने परसेंट पेरेंट ने एक्वायर किया, 30 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या बन जाएगा? 30 ही, शाबाश, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया बच्चे?
अच्छा, अब शेयर प्रीमियम की फिगर तो इस क्वेश्चन में मौजूद ही नहीं है, नहीं लिखी। रिटेन अर्निंग्स, मुझे बताइएगा रिटेन अर्निंग की फिगर क्या है। ये रिटेन अर्निंग का कॉलम, ये रिटेन अर्निंग का कॉलम, ये रिटेन अर्निंग सब्सिडरी की फिगर। तो रिटेन अर्निंग की फिगर बचे कितनी, 10। शाबाश, बिल्कुल सही है बच्चे, 10। अब आपने टोटल करना दोनों साइड्स का, जो हैवियर साइड्स है उसमें से लोअर साइड्स को डिफरेंस लेना है और बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। बच्चे दोनों साइड्स का टोटल बच्चे क्या बन गया, 40 बन गया। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आई नहीं, इसका मतलब गुडविल है ही नहीं है इस सिचुएशन। क्लियर हो गया बच्चे? तो अब इसकी मैं अगर एंट्री पोस्ट करूं तो इसकी दो एंट्रीज भी बन सकती है, और इसकी एक एंट्री पोस्ट करूंगा तो सिंपल है। देखिएगा, शेयर कैपिटल कितने से बचे, 30 से, रिटेन अर्निंग्स 10 से, और बचे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने से बचे, 40 से। ये हमारी एंट्री सेटिस्फाई हो गई। क्लियर हो गया बच्चे? तो क्या है, पेरेंट की किताब में एसेट नॉक ऑफ कर दिया, इलिमिनेट कर दिया, सब्सिडरी की किताब में इक्विटी को, नेट एसेट्स को हमने इलिमिनेट कर दिया। बैलेंसिंग फिगर नहीं थी, अगर बैलेंसिंग फिगर आती तो हमारा एसेट होता, गुडविल ये फिगर होनी चाहिए थी, यहाँ पे आनी थी गुडविल की फिगर, लेकिन गुडविल की फिगर है ही नहीं। ठीक हो गया बच्चे? तो ये बच्चे आपको अकाउंट समझ में आया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। अभी ये सिंपल फॉर्मेट है, अभी इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आती जाएंगी मैं वैसे वैसे आपको क्वेश्चन में बताता हूं। किसी बच्चे को इस वर्किंग में कोई कंफ्यूजन, ने कौन सा अकाउंट बनाया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, बताइएगा मुझे। जी बच्चे क्लियर है, ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों को क्लियर है जी। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट वर्किंग, वर्किंग नंबर 3, अभी तक हमने वर्किंग 2 की है, अब वर्किंग नंबर 3 करने लगे। वर्किंग नंबर 3 की जरूरत है, मुझे बताना है आपने, मैं नाम लिखने लगा हूं लेकिन क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ है वर्किंग का सीक्वेंस यही रखना है आपने। ओके बोलिए मैडम, मुझे बताएं इस वर्किंग की जरूरत है इस करंट एग्जांपल में, बिल्कुल नहीं। क्यों, होली ऑन सब्सिडरी है, होली ऑन सब्सिडरी में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता ही नहीं है, तो ये वर्किंग मैंने स्किप कर दी। अब वर्किंग नंबर 4, इस क्वेश्चन में उसकी भी जरूरत नहीं है, वो बेसिकली वर्किंग का नेम तो लिख सकते हैं ना, वो रिजर्व्स की वर्किंग थी हमारी। और लास्ट वन है बच्चे वर्किंग नंबर 5, वो है ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। इस क्वेश्चन में हमारी वो भी वर्किंग नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, अगला क्वेश्चन बताएगा क्यों नहीं बनेगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देते हैं, ये हमारे पास फॉर्मेट है जी बच्चे। नॉन करंट एसेट 120 प्लस 40, फिगर क्या बन गई, 160। करंट एसेट 40 प्लस 10, फिगर कितनी है बच्चे, 50। दोनों को सम कर दें, टोटल 210। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल 100, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स, जितनी भी रिटेन अर्निंग्स है, क्योंकि ये सारी की सारी 10 और ये 30, दोनों को सम करें, ये टोटल फिगर बनी थी 40। इस 40 को इस 40 से हमने कट कर दिया, यही एंट्री पोस्ट की है ना आपके सामने, ये देखें मैंने यही एंट्री पोस्ट नहीं की हुई, ये देखें शेयर कैपिटल डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, 30 और 10 40, 40 को डेबिट कर दिया और जो डेबिट था उसे क्रेडिट कर दिया, इलिमिनेट हो गया जी। नेक्स्ट बचे, अब रिमेनिंग बैलेंस क्या है, 10, 40 प्लस 10, ये फिगर है बच्चे हमारी 160, ये फिगर है बच्चे 50, टोटल करेंगे 210 फिगर। अच्छा, अब ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस है ही नहीं, ये सारी की सारी जो 50 की फिगर है वो हमारी ग्रुप रिटेन अर्निंग में रिपोर्ट हो जाएगी, तो हम ये 50 की फिगर को ग्रुप रिटेन अर्निंग में रिपोर्ट करेंगे बच्चे। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग में फिगर कितनी, 50। अच्छा, 50 प्लस 10, 60। अब इसका टोटल बच्चे करके मुझे बताइएगा टोटल फिगर क्या बन रही है इसकी, 210 जी बच्चे। नेट ऑफ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में सारी की सारी फिगर हो गई नेट ऑफ, लेकिन हो सकता है किसी सिचुएशन में सारी की सारी फिगर नेट ऑफ ना हो सके, ठीक है, वो मैं आपको
जैसे ही हम फर्दर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे उसमें हम ये डिस्कस भी करेंगे। ये मुझे बताइएगा बच्चे, ये बात समझ में आई है आपको? बच्चे देखो, पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर्स को एक्वायर किया। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन मैं अभी आपको समझाने लगा हूं। ये मुझे बताइएगा, ये एग्जांपल क्लियर हो गई है? अभी एग्जांपल समझिएगा। यहाँ पे ये फिगर सिर्फ 100, ये फिगर रिपोर्ट होनी है यहाँ पे 100, और ये रिटेन अर्निंग 50 क्योंकि ये कट गया हुआ है, और ये 50 + 10 = 60 टोटल करेंगे 210। ये भी हमारी एग्जाम्पल से भी मैंने आपको टोटल करना सिखा दिया। ठीक हो गया जी बच्चे? मुझे बताइएगा इस एग्जाम्पल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉक ऑफ क्यों करते हैं उसकी रीजन मैं अभी समझाने लगा। आप मुझे ये बात बताएं, ये पहली एग्जाम्पल किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जरा तवज्जो करनी है आप लोगों ने, मेरी बातें सुननी है गौर से। बच्चे ग्रुप किसके इक्वल होता है, जल्दी से बताओ मुझे, ग्रुप किसके इक्वल होता है? शाबाश, पेरेंट प्लस सब्सिडरी अच्छा जी, ये भी बात हो गई। अच्छा, पेरेंट प्लस सब्सिडरी दोनों को सम करें, ग्रुप बन गया। पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहलाती है, सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरा आपसे सवाल है, पेरेंट की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कानूनी हसीयत उसकी एक सेपरेट है, और सब्सिडरी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी अपनी कानूनी हसीयत है, सेपरेट किससे? पेरेंट से। पर जब हम कंसोलिडेशन करने लगते हैं तो हम कंसोलिडेशन करते हुए कहते हैं कि जो ग्रुप है ना, ग्रुप को आपने ये समझना है कि ये सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है। आपने ये नहीं समझना कि पेरेंट सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है, सब्सिडरी सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है। आपने क्या समझना है, जब आपने कंसोलिडेशन करनी है तो कंसोलिडेशन करते हुए आपने ये अजम्पशन लेनी है कि पेरेंट प्लस सब्सिडरी ये एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट बन गया है। ये बच्चे बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जब अब सिंगल इकोनॉमिक यूनिट बन गया है तो पेरेंट ये कह सकता है मेरी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में है, क्योंकि अब यूनिट ही एक है। समझ आइए बच्चे बात? अब देखे ना, अभी अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये देखे बच्चे, इन्वेस्टमेंट इन एस, ये एसेट है और ये इक्विटी है, लाइबिलिटी है, इसको बाय किया है। जब बाय किया था तो तब क्या एंट्री पोस्ट की थी? पेरेंट ने अपनी बुक्स में एंट्री पोस्ट की थी। अब जरा गौर कीजिएगा, पेरेंट ने अपनी किताबों में क्या एंट्री पोस्ट की थी? पेरेंट ने एंट्री पोस्ट की थी इन्वेस्टमेंट डेबिट इन एस, और क्रेडिट किसे कर दिया? बैंक को। एनालिसिस क्या हुआ? इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। मुझे बताएं, सब्सिडरी ने क्या एंट्री पोस्ट की? हम अजम्पशन ये ले रहे हैं शेयर्स इशू कर रही है जी, तो क्या एंट्री पोस्ट की? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और जब एक्वायर कर रहे होते हैं उस टाइम पे जितना भी रिटेन्ड अर्निंग होते हैं, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, उनके अगेंस्ट भी आपको पैसे पे करने होते हैं। ये एंट्री पोस्ट हो गई। ठीक हो गया? अब हमने कहा जब ये एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है, तो जब सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है तो फिर तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि इसके लिए ये एसेट है और इसके लिए इक्विटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को इलिमिनेट करना पड़ेगा, इन दोनों को नॉक ऑफ करना पड़ेगा।
ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली शेयर ऐसा थोड़ी है कि शेयर्स बढ़ गए 100 उसके ऐड करें, सब्सिडियरी के 40 हैं या 30 हैं, उन दोनों को ऐड करके हम कह देंगे शेयर्स 130 हो गए। पेरेंट के जो शेयर होल्डर्स है उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स तो 100 ही रहेंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकेंगे, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को इलिमिनेट कर देते हैं, नॉक ऑफ। तो फिर इसकी एंट्री क्या पोस्ट करते हैं, जो क्रेडिट हो रही थी उन्हें डेबिट कर देते हैं शेयर कैपिटल को, जस्ट फॉर कंसोलिडेशन। शेयर प्रीमियम भी बचे डेबिट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग भी बचे डेबिट हो जाएगी, और क्रेडिट किसे कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी। क्लियर हो गया? और अगर कोई एडिशनल पेमेंट हुई हुई है, जैसे हो सकता है कुछ एडिशनल पेमेंट भी हो तो वो गुडविल हो सकती है, या कम पेमेंट हो तो वो परचेज बार्गेन आ सकता है, वो सिचुएशन हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अब बात क्लियर हुई है कुछ कुछ बच्चे? सर, ये जो आपने सब्सिडी की एंट्री पास की है, इसमें रिटेन अर्निंग क्रेडिट क्यों किया? रिटेन अर्निंग क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हो, लेट सपोज आपने 2 years आफ्टर एक कंपनी को एक्वायर किया, तो वो कंपनी आपसे नेट एसेट्स के बदले में पूरे पैसे नहीं लेगी, वो कंपनी कहेगी कि मेरे इतने नेट एसेट्स है आज, उसके बदले में मुझे इतने पैसे दो, और हमने कल ही ये डिसाइड किया था, तो नेट एसेट्स तो इनके इक्वल नहीं होता, शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस रिटेन अर्निंग, याद है ना ये बात आपको? आपको याद होगा कल मैंने समझाया था, एसेट्स में से अगर हम माइनस कर दें लाइबिलिटीज को तो वो किसके इक्वल होता है, नेट एसेट्स के इक्वल, इक्विटी के इक्वल हो जाता है, और इक्विटी का पोर्शन अगर हम देखें तो शेयर कैपिटल भी बनता है, शेयर प्रीमियम भी बनता है, और रिटेन अर्निंग्स भी, इन सबको कंबाइन करेंगे तो वो इक्विटी बनेगी। ठीक है जी बच्चे, क्लियर हो गई है जी बात? जी सर हो गई जी। अच्छा बच्चे, अब हम अगली एग्जांपल जरा समझने लगे हैं। अब जरा आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझना है मेरे साथ, कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर हम ये एग्जांपल सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो वरना ये एग्जांपल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं, फिर उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है जी? एक एग्जांपल लेने लगा हूं सिंपल से, जहां पे आपको दिक्कत हो आपने मेरे से वहीं से पूछना शुरू कर देना, सभी लोग एक्टिव है ना। मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में हर क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे पूछता है, कोई ऐसा सवाल आपको एग्जाम में नहीं नजर आएगा जिसमें ये कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है? अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे लेट्स सपोज एक डेट मैं मेंशन कर रहा हूं, यकम जनवरी 2020, और रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2020, ठीक हो गया? एक डेट मेंशन कर देता हूं, ये डेट है यकम जुलाई 2020, ये डेट है रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट किस डेट को कहते हैं, वो डेट जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही हो उस दिन को हम कहते हैं रिपोर्टिंग डेट, ठीक हो गया? और ये डेट है एक्विजिशन डेट, जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडियरी को एक्वायर किया उस दिन को हम कहते हैं एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, द डेट at which parent acquired subsidiary is called acquisition date. वो डेट जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया वो डेट कहलाएगी एक्विजिशन डेट, ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा बच्चे, अब एक्विजिशन डेट पे जितना भी रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस होगा, एक्विजिशन डेट पे जितना भी रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस होगा वो बैलेंस कहलाता है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। क्या कहलाएगा? प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। बात समझा पाए हो? दोबारा सुनिएगा, जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडियरी को एक्वायर किया उस दिन को कहेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट,
एक्विजिशन डेट के रिटेन अर्निंग का बैलेंस, ये सिर्फ सब्सिडरी की बात कर रहा हूं मैं, सब्सिडरी के रिटेन अर्निंग के बैलेंस को कहते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। और इस दिन से लेकर इस दिन तक जितना भी रिटेन अर्निंग का बैलेंस होगा इसके बाद का, वो कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स भी कह सकते हैं, रिटेन अर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? तो एक्विजिशन डेट और उससे पहले का बैलेंस प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, एक्विजिशन डेट के बाद और रिपोर्टिंग डेट तक का जितना भी बैलेंस होगा उसे हम पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स कहते हैं। बताएं ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ गई? जी अबीर, अरीब, अरहम, जी सर आ गए, ईसा खान, हारिस, बाकी सब लोगों को भी बचे? जी बचे, ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस कॉन्सेप्ट को, पोस्ट एक्विजिशन अरहम बचे, दोबारा सुनिएगा। ये डेट है जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया। इस डेट और इस डेट से पहले का जितना भी रिटेन्ड अर्निंग का पोर्शन होगा वो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कहलाएगा। और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स के बाद रिपोर्टिंग डेट, एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट के दरमियान जितना भी बैलेंस होगा वो कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। ठीक हो गया? एक्विजिशन डेट के बाद अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को, एक्विजिशन डेट खरीद लिया पेरेंट ने सब्सिडरी को, सब्सिडरी को जब खरीद लिया उसके बाद सब्सिडरी अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है और सब्सिडरी को प्रॉफिट हो रहा है, अब बताएं उस प्रॉफिट में पेरेंट का हक नहीं है क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है, अब तो वो कंपनी मेरी है, उस कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में अब मेरा भी पार्ट है, मेरा भी हिस्सा है, वो प्रॉफिट कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक बात क्लियर हुई है? अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर यहां तक अरहम आपको बच्चे बात समझ में आ गई है तो फिर हम नेक्स्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अरहम साहब का रिस्पॉन्स आ गया, अब जरा गौर कीजिएगा बच्चे। हम कहते हैं रिजर्व, साथ साथ नोट करते जाइएगा, मैंने आपसे कहा था इसका रजिस्टर आपने सेपरेट बनाना, रिजर्व्स या रिटेन्ड अर्निंग्स, ये नोट कीजिएगा, ये हमें वर्किंग करनी है हर क्वेश्चन में, एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया होता है, एडजस्टमेंट सारी की सारी यहीं पे इनकॉर्पोरेट हो रही होती है। रिटेन्ड अर्निंग्स के बच्चे हम दो बैलेंसेस करते हैं, एक को हम कहते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और सेकंड वन बच्चे हम कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। ठीक है? एग्जामिनर हमसे क्या करता है, एग्जामिनर हमें समटाइम कहता है कि प्री एक्विजिशन रिजर्व्स का बैलेंस इतना है और टोटल इतना है, फिर हम क्या करते हैं टोटल में से हम कैसे वर्किंग करेंगे, टोटल जितना भी होगा, और टोटल हमें कैसे पता चलेगा, एट रिपोर्टिंग डेट पे जितना भी होगा वो सारे का सारा टोटल होता है, इसमें से हम माइनस करते हैं अगर प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, तो जितना भी बैलेंस बच जाएगा वो क्या होगा, वो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स होगा। एग्जामिनर सम टाइम तो हमें ऐसी एडजस्टमेंट दे देता है, समटाइम एग्जामिनर पोस्ट प्रोवाइड कर देता है और टोटल दे देता है, फिर हम कैसे फिर हम प्री कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे बताते जाएंगे, लेकिन ज्यादातर वो हमें प्री और टोटल प्रोवाइड करता है, पोस्ट हमें खुद से डिटरमिन करना होता है। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, अब नेक्स्ट, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स के बाद हम इसके फिर दो टुकड़े करेंगे, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स के हम दो टुकड़े करेंगे। अच्छा बच्चे, जितना पोर्शन पेरेंट का होगा वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में रिपोर्ट करना है, जितना पोर्शन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा उतना पोर्शन उसमें बायफरकेट करना है। जैसे लास्ट एग्जांपल मैंने कहा 100 रुपीज में से 80 रुपीज के शेयर्स पेरेंट ने बाय कर लिए हैं, अब मुझे बताइएगा पेरेंट का सब्सिडरी पे कितने परसेंट कंट्रोल है, बताइएगा मुझे जल्दी से जवाब देना है। 80%। अब अगर
सब्सिडरी ने प्रॉफिट अर्न किया है 100 रुपीज का, तो बताएं पेरेंट को 100 का 100 ही दे दें? 80 मिलेगा, शाबाश। और बाकी 20 कहां पर रिपोर्ट होगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा बच्चे, अब एक और बात, अब पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स के भी दो टुकड़े करने हैं, एक है ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाना है और दूसरा बचे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो ये हमारे ये फ्लो चार्ट आपने नोट कर लेना, ये रिजर्व्स के दो बाइफर्केशन, प्री और पोस्ट। प्री के दो टुकड़े सीओसी और एनसीआई, पोस्ट के भी दो टुकड़े जीआरई, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, इसे सीआरई भी कहते हैं। मैंने आपको दोनों नाम बताए हुए, इसे सीआरई भी कहते हैं, इसे जीआरई भी कहते हैं, और दूसरा एनसीआई। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, अब मैं एग्जांपल आपको सिंपल करवाने लगा हूं। जो हमारी एग्जांपल है ना, उसमें सिर्फ इतना पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा। अभी ये फर्दर एग्जांपल में जाके हम डिस्कस करेंगे। अब ये सिंपल सी एग्जांपल है, ये आपके सामने है, स्टार्ट कर दूं डिस्कस करना। जी सर। जी बच्चे, चले चले जी बच्चे, अब नोट करना है क्वेश्चन, आप लोगों ने मेरे साथ करना है एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हुए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एट 31 दिसंबर 2018, रिपोर्टिंग डेट है ये कौन सी डेट है? रिपोर्टिंग डेट। अब ये पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडियरी की, डिनोमिनेशन है रुपीज इन थाउजेंड्स। नॉन करंट एसेट लाइन आइटम्स एड करेंगे, एडजस्टमेंट होगी तो इनकॉर्पोरेट कर देंगे, नहीं है तो ऐसे ही एड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को नेट एसेट्स के अगेंस्ट सब्सिडरी के इलिमिनेट करेंगे, ऐसा ही है ना? अच्छा, करंट एसेट लाइन आइटम्स है ऐड करेंगे। शेयर कैपिटल जस्ट किसका रिपोर्ट करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? पेरेंट का। शाबाश। रिटेन अर्निंग के लिए किसका अकाउंट बनेगा? सीआरई और सीआरई का अकाउंट बनेगा ना? जी बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा इस सिचुएशन में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज लाइन आइटम्स ऐड करेंगे, हो गया। अच्छा, यू आर फर्दर इन्फॉर्म्ड, आपको मजीद मालूमात दे रहे हैं, पी हु इज द एक्वायरर, हु इज द एक्वायरर, पी एक्वायर्ड ऑल होली ओन सब्सिडरी है या पार्शली ओन सब्सिडरी है? जवाब आपने बताना है मुझे। होली ओन। अच्छा, ये कौन सी डेट है आप लोग मुझे बताइएगा? स्टेप टू, डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन, शाबाश, एक्विजिशन डेट। व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग, ये किस रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस दे रहा है? June 30, 2018 का। वो कह रहा है व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस, इस दिन रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस कितना है? 15,000। बताएं ये 15,000 किसकी फिगर हमें प्रोवाइड करते हैं? प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। मेरे पूछने से पहले ही बच्चों ने मैसेज लिख के मुझे सेंड कर दिया। प्री एक्विजिशन रिजर्व 15,000 किसका बैलेंस है? प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। क्वेश्चन स्टार्ट करें सॉल्व करना। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है पी ग्रुप, नेक्स्ट बच्चे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके बाद बच्चे एस एट December 31st, 2018। डिनोमिनेशन क्या है? रुपीज इन थाउजेंड्स। अच्छा बच्चे, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स हैं बताइएगा मुझे, नॉन करंट एसेट्स की फिगर कितनी है? 50 प्लस 40, यही फिगर है ना? 50
फिफ्टी प्लस फोर्टी, तो ये बचे फिफ्टी प्लस फोर्टी। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा मुझे लग रहा है कि एक फिगर इसमें एक से दो लाइन आपने छोड़नी है, गुडविल की फिगर आ जानी है, मैं बता रहा हूं ठीक है ना, अभी आपको फील नहीं हो रहा लेकिन आनी है इसमें गुडविल की वर्किंग, अभी हम जब बनाएंगे आपको तब पता चल जाएगा। अच्छा इसके बाद एक से दो लाइन मैंने छोड़ दी, स्किप कर दी, इन्वेस्टमेंट इन एस ने तो वैसे ही नॉक ऑफ हो जाना है नेट एसेट के गेन, लिखने की जरूरत नहीं, करंट एसेट्स, फिगर क्या करंट एसेट्स की, करंट एसेट बचे 30 प्लस 40, 30 प्लस 40, इसके बाद बचे टोटल, टोटल एसेट्स का, नेक्स्ट बचे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल अगर हम देखें तो पूरा वर्ड पहले लिखते हैं, हम एक हेडिंग बनाते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स की, फिर उसके बाद हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की फिगर आपने मुझे बतानी है, मैं आपके सामने ओपन करूंगा, मुझे नहीं याद कि ये क्या फिगर है लेकिन आपके सामने ओपन करता हूं, आप मुझे बताएं कौन सी फिगर आएगी। अंडर आएगी बिल्कुल ठीक है, जस्ट पेरेंट की फिगर होती है, शाबाश। अच्छा शेयर प्रीमियम की फिगर नहीं है तो रहने दे, ये फिगर होगी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग या ग्रुप रिटेन अर्निंग, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग के लिए हम वर्किंग नंबर 5 बनाएंगे, याद है आपको। नेक्स्ट एनसीआई है ही नहीं है, बताएं एनसीआई की वर्किंग बनेगी इस सिचुएशन में या नहीं बनेगी, नहीं बनेगी सर, होली ओन नहीं बनेगी क्योंकि 100% शेयर होल्डिंग है, होली ओन सब्सिडरी है, इस केस में नहीं बनती। लास्ट वन आगे करंट लायबिलिटीज की फिगर, बिल्कुल ठीक है, एक से दो लाइने छोड़ के लिखना है आपने। फिगर बचे 20 प्लस 10, 20 प्लस 10, इसके बाद बचे ये टोटल हो जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब वर्किंग स्टार्ट करने लगा, सबसे पहली वर्किंग, वर्किंग का नेम बताइएगा, सबसे पहली वर्किंग का क्या नाम है, ग्रुप स्ट्रक्चर, शाबाश, सब्सिडरी, पेरेंट 100% एक्वायर कर लिया, एनसीआई बताइएगा होगी, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या, 30th June 2018। अच्छा अब कंसोलिडेशन का पीरियड अगर मैं आपसे पूछूं कि कंसोलिडेशन का पीरियड कितना बनता है, 6 मंथ, ये मैं बताऊंगा, इसकी जरूरत लिखने की नहीं भी है लेकिन समटाइम गलती से हम बच जाते हैं तो लिखना बेहतर हो जाता समटाइम। अच्छा जी बच्चे वर्किंग नंबर 2, हमने अकाउंट बनाना है किसका, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रोल है ये अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपको याद है ना फॉर्मेट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, बताइएगा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अकाउंट में हम क्या बात लिखते हैं यहां, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डेबिट साइड, शाबाश, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कह दें या कंसिडरेशन पेड क्या, बताए जरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने आपको कहा था 70,000 बिल्कुल ठीक, देखिए उसने खुद कह दिया एट कॉस्ट, कॉस्ट पे आ रही है ये फिगर, तो ये फिगर 70, सिर्फ इतनी लिखनी है ना। अच्छा अब मुझे बताना है सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है, 100% हमने एक्वायर किया हुआ है तो सारे का सारा ही आ जाएगा लेकिन बताएं मुझे कितनी फिगर आएगी, तो ये 15 ऐड करेंगे इसमें, पूरे का पूरा 50 ऐड करेंगे, शाबाश। अच्छा अब
ये फिगर शेयर प्रीमियम तो है नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। अच्छा, प्री एक्विजिशन रिजर्व से जरा एहतियात करनी है, वर्किंग नंबर 4 बनाने लगा हूं, 3 तो हमारी बननी नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्यों नहीं बनी, क्योंकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ही नहीं है। अब रिजर्व की फिगर आपने कैसे लिखनी है, अब जरा गौर कीजिएगा, ये वर्किंग पहली दफा समझाने लगा हूं, आप लोगों ने इससे पहले नहीं समझी हुई, अब जरा गौर कीजिएगा। आपने करना क्या बच्चे, ये रिजर्व्स की फिगर, रिटेन अर्निंग की फिगर, सब्सिडरी की ये फिगर लिखनी है। मैं दोबारा रिपीट करने लगा, सब्सिडरी के कॉलम में रिटेन अर्निंग का बैलेंस टोटल, ये रिजर्व की फिगर है, कितनी फिगर है, 58, 20 है, 20, मैंने गलती कर दी, 20 है। अच्छा, अब इसके दो टुकड़े कीजिएगा, एक टुकड़ा है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स का और दूसरा है बच्चे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स का। अब मुझे बताना है आपने प्री का बैलेंस कितना गिवन है, क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया हुआ है। 15। शाबाश, बिल्कुल सही हो गया, 15 का। तो पोस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल फिगर है 20, इसमें से माइनस कर दें 15, रिमेनिंग बैलेंस कितना है, ठीक हो गया बच्चे। अच्छा, अब इस ये होली ओंड है, सारे का सारा बैलेंस ही ये सीओसी में चला जाएगा, ये सारे का सारा बैलेंस ही सीआरई में चला जाएगा बच्चे, क्योंकि हमने अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि अगर एनसीआई होगा तो एक तो सीओसी में जाएगा, दूसरा एनसीआई में, एक सीआरई में और दूसरा एनसीआई में। अब सिचुएशन में एनसीआई है ही नहीं, तो सारे का सारा इस प्री वाला सीओसी में और पोस्ट वाला सीआरई में। जी बच्चे, मैं भी बताता हूँ बच्चे, ये देखिएगा, ये फिगर नहीं थी हमारे पास गिवन, उसने हमें बताया था कि रिटेन अर्निंग एक्विजिशन डेट पे, मैंने आपको समझाया जो एक्विजिशन डेट का रिटेन अर्निंग का बैलेंस होता है वो प्री एक्विजिशन रिजर्व कहलाता है। ये 15,000 की फिगर, ये वाली फिगर, उसने हमें कहा था रिटेन अर्निंग का बैलेंस एक्विजिशन डेट पे 15,000 था, इसका मतलब है 30 जून के बाद 31 दिसंबर तक 5,000 रुपया कमाया और वो पोस्ट एक्विजिशन। जी, किसी भी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है भी आप लोगों के लिए, ठीक हो गया जी बच्चे। जी बच्चे, तो बच्चे ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिजर्व्स की फिगर 20, हमने एग्जाम्पल में ये फिगर ली, सब्सिडरी में रिटेन अर्निंग का टोटल बैलेंस, अच्छा ये फिगर हो गई। फिर हमने इस रिजर्व्स के दो टुकड़े करने हैं, प्री और पोस्ट में। अब देखें बच्चे, प्री की फिगर उसने बताई कि एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी के रिटेन अर्निंग का बैलेंस 15,000 था, तो हमने ये फिगर 15 लिख दी। पोस्ट कैसे डिटरमिन करेंगे, टोटल में से प्री लेस कर दें, रिमेनिंग बैलेंस पोस्ट का होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्री एक्विजिशन रिजर्व का कितना बैलेंस आएगा बच्चे बताइएगा, हमने कैलकुलेट किया अभी, 15 15 आएगा सर, 15, शाबाश, बिल्कुल सही है, 15 आएगा सर। बिल्कुल ठीक होगा जी, शाबाश, सब लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं इसी वजह से कि मुझे पता चले कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए हो मेरी बात को। अच्छा, हैवियर साइड है डेबिट साइड, ये हैवियर साइड है और ये लोअर साइड है क्रेडिट साइड। अब इसका जरा टोटल करेंगे तो ये 70 आना चाहिए, बट 70 नहीं आ रहा, जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो किसको रिपोर्ट करेगी बच्चे, गुडविल को। गुडविल की फिगर कितनी बन गई बच्चे, बैलेंसिंग फिगर है ये, बताएं मुझे कैलकुलेट करके कितनी है जी, 70 में से 50 और 15 लेस करें, 5। 5, बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। अब ये फिगर हम लिख देते हैं गुडविल की फिगर, ये गुडविल, और गुडविल के लिए वर्किंग नंबर 2 की हुई है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट, फिगर कितनी बनी बच्चे, ये फिगर है 5, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे हमने वर्किंग 3 भी कर ली, ओ सॉरी 3 की जरूरत नहीं, 4 कर ली है। अब हमारी लास्ट वर्किंग एक ही रह गई है और वो है वर्किंग नंबर 5, और वो कौन सी वर्किंग है, सीआरई का अकाउंट, सीआरई का अकाउंट। जी ये जरूरी नहीं है,
इस एग्जाम्पल में बाय चांस वो पोस्ट के इक्वल आ गया, जरूरी नहीं है हर एग्जाम्पल में ये इसके इक्वल है, ये तो बाय चांस आ गई फिगर, ठीक है। अच्छा बच्चे सीआरई का अकाउंट बनाने लगे, सीआरई का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहला काम पेरेंट की रिटेन अर्निंग का टोटल बैलेंस आपने यहाँ पे लिखना है। जरा मुझे एग्जाम्पल में से देख के बताइएगा पेरेंट की टोटल रिटेन अर्निंग का कितना बैलेंस बनता है। क्विकली पेरेंट की टोटल रिटेन अर्निंग, थर्टी शाबाश थर्टी ये है बिल्कुल सही है 30। अब यहां पे आपने लिखना है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, और वो बैलेंस हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ बिल्कुल ऊपर है वर्किंग आई नंबर सर। 4 में, ये 5 बिल्कुल ठीक है। अगर एनसीआई का पोर्शन होता तो एनसीआई में भी जाता, लेकिन एनसीआई इस केस में है ही नहीं है, बस ये फिगर हमने लिख दी, इसका अब हमने टोटल कर देना। ये हमारा सीआरई का अकाउंट भी बन गया बच्चे, खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, बस अब हमने फॉर्मेट कंप्लीट करना है। ये 35 बनना चाहिए, ये हमारी क्लोजिंग फिगर 35 ठीक हो गया। अब बच्चे फिल करते हैं, तो ये हमारे पास कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का बैलेंस 35, कोई एडजस्टमेंट और नहीं है, बस अब टोटल कर दें 50 प्लस 40, टोटल करके बताएं कितनी फिगर 90, करंट एसेट 30 प्लस 40 70, सम करें 5 9 और 7 प्लस करें 16 165 165 जी बच्चे। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज 20 प्लस 10 30, इसका टोटल भी हम सेपरेट कर लिया करते हैं 135 प्लस 30, टोटल करें 165, हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंसोलिडेटेड एग्री कर गई 165 165, ठीक हो गया जी बच्चे, बात समझा पाया हूँ। सिर्फ मुझे एक एंट्री करवानी है आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है सिर्फ एंट्री अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एंट्री समझिएगा बच्चे कि एंट्री कैसे पोस्ट करनी है, ये एंट्री बच्चे किस तरह से, शेयर शेयर कैपिटल कितने से बचे 50, उसके बाद बचे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितने से बचे 15 से, गुडविल की फिगर 5 और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 70 से। देखिए ये हमारी इक्वेशन सॉरी हमारी ये एंट्री सेटिस्फाई हो रही है, डेबिट और क्रेडिट टैली कर रहे हैं ना, ये एंट्री पोस्ट होती है जिसके लिए हम सीओसी का अकाउंट बनाते जी बच्चे। सब बच्चों को ये बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी सब बच्चों को क्लियर, आपने नोट भी कर लिया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अबीर अरीब बच्चे आपको भी क्लियर है, अरहम आपको क्लियर है, ईसा खान, हसनैन दोनों, हसनैन इकरा, फरूक साहब, कंवर, नूरुल्ला, मोहसिन अली, मुस्तजाब, शानजे, साजिद अली, नूर, सबको क्लियर है। किसी बच्चे का कोई सवाल है, कोई बात पूछना चाहते हो बच्चे, आप पूछ सकते हो। अभी ये हम फर्दर जैसे ही थोड़ा सा आगे फर्दर मूव करता हूं तो मैं ये इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। वो उस चीज को भी इग्नोर कर जी बच्चे, मैं इंशाल्लाह आपका ग्रुप बनाता हूँ, फिर मैं शेयर कर दूंगा, इस चीज से ना घबराए, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एग्जांपल बच्चे फर्दर हम डिस्कस करने लगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चे बीएल और एमएल, अब ये क्वेश्चन मेरे साथ आपने पढ़ना है और शायद मैं, हो सकता है मैं आपसे सॉल्व करवाऊं बच्चे। द समराइज ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनीज इन अ ग्रुप एट 31 दिसंबर 2018, मुझे बताइएगा कौन सी डेट है।
रिपोर्टिंग डेट. शाबाश, एक्सीलेंट. रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग डेट. प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट लाइन आइटम्स ऐड करके लिख देंगे. इन्वेस्टमेंट इन एफएल का क्या करेंगे? नेट ऑफ करेंगे. शाबाश, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी के साथ नेट ऑफ करेंगे. करंट एसेट क्या करना है हमने? लाइन आइटम्स ऐड कर देनी है सर. बिल्कुल, शाबाश. शेयर कैपिटल कितना रिपोर्ट करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? सो 1,00,000. बिल्कुल ठीक हो गया जी. अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? सीआरई या डीआरई. अच्छा, करंट लायबिलिटीज लाइन आइटम्स ऐड कर देंगे. अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, यहां से हमें थोड़ा सा ट्रिक खेल रहा है हमारे साथ. एडिशनल इंफॉर्मेशन, BL acquired 16,000 ordinary shares. BL ने acquire किए 16,000 ordinary shares. अब जरा गौर कीजिएगा, subsidiary के total shares कितने हैं? Number of shares, ये है value rupees में. एक share एक रुपए का. Total number of shares कितने हुए? Total rupees में value divided by एक share की value, number of shares है 20,000. अच्छा, अब parent ने सब्सिडरी को एक्वायर किया, पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया, उसके कितने शेयर्स एक्वायर किए? 16,000. सब्सिडरी के टोटल शेयर्स कितने थे? 20,000. बिल्कुल सही हो गया जी. मल्टीप्लाई बाय 100, बताएं कितने परसेंट एक्वायर किया? 80% सर. 80%, शाबाश. अब समझ आ गई है, होली ओन्ड या पार्शली ओन्ड? अच्छा, ये डेट कौन सी है? ये डेट बताइएगा मुझे. फर्स्ट जनवरी है ना, एक्विजिशन डेट. When FL had accumulated profit, ये बैलेंस किसका बैलेंस बता रहे हैं आपको? प्री एक्विजिशन रिजर्व. करें जी क्वेश्चन सॉल्व. इसमें एनसीआई आ गया तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीआई का अकाउंट बनाना तो अभी मैंने नहीं समझाया आप लोगों को. ठीक है जी, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी बच्चे, सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाना. सबसे पहले फॉर्मेट, पेरेंट का नेम क्या है? पेरेंट के नेम से ग्रुप बनता है. सॉरी, ये बता था. जी बच्चे, बीएल है, बीएल है, पेरेंट के नेम से ग्रुप बनता है. तो बच्चे बीएल ग्रुप. नेक्स्ट बच्चे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. स्पेसिफिक डेट पे बनेगा एज एट December 31st, 2018. अच्छा बच्चे, इंफॉर्मेशन हमारे पास रुपीज में है. डिनोमिनेशन क्या है? रुपीज ही है, रुपीज. अच्छा बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एसेट्स. एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. आपने फेस पे कभी भी एब्रीवेशन यूज नहीं करना, याद रखिएगा ये बात. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्किंग में आप कर सकते हैं एब्रीवेशन, लेकिन फेस पे कभी नहीं. 86,000 प्लस 24,500. 86,000 प्लस 24,500. बच्चे मैं असाइनमेंट बन गई हुई है. जैसे ही आज मैं कोशिश करता हूँ ग्रुप बनाने की, मैं थोड़ा सा थोड़ी सी मसरूफियत थी, तो मैं इंशाल्लाह बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एज अर्ली एज पॉसिबल. ठीक है, इंशाल्लाह.
अच्छा बच्चे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर क्लियर हो गई है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट, उसके बाद बच्चे इन्वेस्टमेंट तो नॉक ऑफ हो जाएगा, गुडविल की लाइन आइटम आ जाएगी, तो गुडविल के लिए हम स्पेस या गुडविल लिख भी देते हैं। ये लेते हैं गुडविल के लिए वर्किंग, बताइएगा वर्किंग नंबर कौन सी हो, वर्किंग नंबर ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा जी वर्किंग नंबर टू, गुडविल की वर्किंग नंबर टू। नेक्स्ट बच्चे करंट एसेट लाइन आइटम ऐड करेंगे, अच्छा बच्चे क्या फिगर है, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 ये फिगर हो गई, ये टोटल बन जाएगा बच्चे टोटल एसेट्स। अच्छा बच्चे इसी तरह से इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल की फिगर बताएं। बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट 100,000। शेयर प्रीमियम नहीं है, कौन सा अकाउंट बनेगा, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। इसकी वर्किंग नंबर 5। अच्छा इसके बाद बचे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसका बचे अकाउंट वर्किंग नंबर 3। उसके बाद बचे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज की बचे फिगर 11,000 प्लस 8,000, 11,000 सॉरी 11,000 प्लस 8,000 के बाद टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहली वर्किंग, वर्किंग नंबर 1 ग्रुप स्ट्रक्चर। सब्सिडरी पेरेंट ने कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं, 16,000 आउट ऑफ 20,000, कितने परसेंट ओनरशिप, 80%। उसके बाद बचे एनसीआई, एनसीआई के पास रिमेनिंग बैलेंस 20%। एक्विजिशन डेट क्या है जी बच्चे, एक्विजिशन डेट है यकम जनवरी 2018, और कंसोलिडेशन का पीरियड कितना बन जाएगा बच्चे, 1 ईयर। पहली वर्किंग हमारी मुकम्मल। अब बच्चे वर्किंग नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में बचे सबसे पहला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है जी, या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट लिख दें, मैंने पहले ये लिखा था ये लिख देता हूं। बताएं जी बच्चे कितनी है जी, जल्दी से बताएं, 27,000 जी बच्चे, इजाजत है आपको तहजीबुर रहमान बच्चे, इजाजत है आपको 20 क्या बताई थी बच्चे फिगर आपने, 27,000 बच्चे, बस वही रूल के आपने कोशिश करनी है कि मेल का ग्रुप सिर्फ सेपरेट बनाना, ठीक है ना, फीमेल का ग्रुप वो सेपरेट, कोई भी बच्ची रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करके वो भी बना ले, ठीक है जी बच्चे। चले जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 27,000 पूरी डिनोमिनेशन में बना रहे हैं, ये तो मेरे लिए फेवर हो जाएगी,
27,000 ठीक हो गया। अच्छा बच्चे अब यहां पर सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, अब तवज्जो करनी है, अब जरा तवज्जो करनी है, मुझे बताइएगा सब्सिडरी का शेयर कैपिटल एग्जामिनर ने मैं खुद बताया हुआ है कि इतने इतनी इन आपने नंबर ऑफ शेयर्स और एक शेयर एक रुपए का खरीदे, बता दें कितनी फिगर आएगी, 20,000 पूरा तो नहीं ना आएगा, कितना एक्वायर किया होगा 16,000, तो ये फिगर आएगी। या आपके पास सिंपल रूल मैंने आपको जो बताया हुआ है 20,000 इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ग्रुप स्ट्रक्चर में फिगर है 80%, 20,000 को 80% से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आपके पास 16,000 ही बन जाएगा। अच्छा आपको एक एक रिक्वेस्ट है, आपके लिए ना आसान हो जाएगी बात, ये बात अगर मेरी आप मानेंगे तो, वो क्या है, वो ये है कि आपने वर्किंग नंबर टू और वर्किंग नंबर थ्री पैरेलल करनी है, साथ साथ करनी है, आसान हो जाएगा। एनसीआई का अकाउंट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट इकट्ठा साथ साथ बनाते जाइएगा, बड़ी आसानी हो जाएगी। कैसे वो देखें, अब ये आप लिखेंगे सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 20,000 में से 16,000 जब यहाँ पे आ गया तो कितना बाकी शेयर्स हैं जो के एनसीआई के पास जाएंगे, बताएं जरा जल्दी से मुझे, 20,000 में से 20,000 में से 16,000 पेरेंट ने कंट्रोल किए हुए, बाकी 4,000, तो देखिए आसान हो गया ना। अच्छा अब इससे आगे हम वर्किंग नहीं कर सकते जब तक कि हम वर्किंग अपनी फोर मुकम्मल नहीं कर लेते, तो वर्किंग नंबर फोर, वर्किंग नंबर फोर अब इंटरेस्टिंग है, जरा तवज्जो कीजिएगा आप, रिजर्व्स की आपने मुझे गाइड करना है, रिजर्व्स की टोटल फिगर बताएं, सब्सिडरी का कॉलम, रिटेनिंग का टोटल बैलेंस 65, सभी लोगों ने पिक कर लिया था ये पॉइंट 6500, ये फिगर है टोटल रिजर्व्स की फिगर 6500, इंपॉर्टेंट। अच्छा बच्चे अब इस फिगर के दो टुकड़े करने हैं आपने, एक बच्चे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और दूसरा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, फिगर बताइएगा प्री एक्विजिशन रिजर्व्स की 600,000, 6,000, 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
माइनस कर दें इसमें से 6000, रिमेनिंग बैलेंस पोस्ट एक्विजिशन का कितना बैलेंस? असलान बच्चे आप रिस्पांस नहीं दे रहे हो आज। 500 जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश 500। अब हमने इसे बायफरकेट करना है फर्दर, हमने पढ़ा हुआ है इसे बायफरकेट कैसे करना है सीओसी में और एनसीआई में, इसे भी फर्दर बायफरकेट करना है किसमें, सीआरई और एनसीआई में। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब सीआरई 80%, एनसीआई 20%, अगेन इसी तरह से एनसीआई 20% और सीओसी में 80%, तो 80% 4800 और 20% 1200। मुझे बच्चे बता रहे हैं ये फिगर्स, 500 का 80% 400 और 100। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वर्किंग आपसे हो गई, मुश्किल तो नहीं है ये वर्किंग करना, सब बच्चों को क्लियर है ना ये बात, कैसे मैंने प्री और पोस्ट में बायफरकेशन की, कैसे सीओसी और एनसीआई का बैलेंस। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चे हम लोग ये फिगर्स लिखने लगे हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व्स की। अब मुझे आपने बताना है प्री, आप लोगों ने साथ साथ नोट किया हुआ है, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितना बैलेंस है 4800 और इसी तरह से प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एनसीआई में, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितना बैलेंस है 1200। अच्छा अभी इसके बाद कोई और फिगर है ही नहीं है, टोटल कर ले, टोटल फिगर है 27000, ये भी टोटल 27000 बनना चाहिए, ये लोअर साइड है बैलेंसिंग फिगर। बच्चे गुडविल कैलकुलेट करके जल्दी से मुझे बताएं गुडविल की फिगर कितनी बन रही है, और सभी लोगों का रिस्पांस आना चाहिए मुझे। जी एक बच्चे ने बताया, बाकी लोग कंफर्म करेंगे ये फिगर ठीक है।
6200 सर जी, सभी लोग कंफर्म करें 6200, अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग यही बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग है जी बच्चे, चले जी। अब ये 6200 की फिगर हम यहाँ पे लिख भी देते हैं गुडविल के आगे, ये गुडविल की फिगर है 6200। बिल्कुल ठीक हो गया जी, हम सब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट लास्ट वन वर्किंग रह गई है हमारी, और एनसीआई के अकाउंट को क्लोज करना है, ये दो वर्किंग हम अब मुकम्मल कर लेते हैं जी बच्चे। सीआरई का अकाउंट बनाने लगे, सीआरई का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बीएल की रिटेन अर्निंग टोटल बतानी है, बीएल की रिटेन अर्निंग फिगर आपके सामने है, पिक आप करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बीएल की टोटल रिटेन अर्निंग 6500 सर, नहीं नहीं पिक नहीं सही की, ये आपने एमएल की बताई है 22000। बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। अब आएगा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स का बैलेंस, अब ये सिर्फ सीआरई वाला बताना है, एनसीआई का एनसीआई के अकाउंट में जाएगा 400, और एनसीआई का ये फिगर यहां पे रिपोर्ट होगी। जी बच्चे पोस्ट एक्विजिशन, टोटल कीजिएगा बच्चे इसका 4000, 1200, 5200 और 5300, ये भी टोटल 5300 कैरेट डाउन, टोटल यही 5300 बना, ये एनसीआई का। अब बच्चे सीआरई का, ये टोटल कीजिएगा 22400, और ये भी बचे 22400, ये कैरिड डाउन बैलेंस। अब बचे ये बैलेंसेस मुझे लिखवाइएगा, 22400 आपने साथ साथ नोट किया हुआ, 22400 सीआरई का, और एनसीआई का मुझे बताइएगा बैलेंस कितना बन रहा है, या मैं 5300 ठीक है बच्चे ने बता दिया, 700, 721 और टोटल बचे ये 19000, टोटल करके मुझे बताइएगा क्या फिगर बन रही है बच्चे। बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश नूरुल्ला। अच्छा बच्चे इसकी भी टोटल फिगर बच्चे कीजिएगा, कैलकुलेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक हो गया 110500, इसका टोटल कीजिएगा ये है 30000, टोटल करें इसकी क्या फिगर बन रही है बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे, चले जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चे एक और एग्जांपल है, ये आपके सामने है, ये मैं आपको आपको आपके साथ पढ़ रहा हूं, फिर आपने सॉल्व खुद से करनी है। आपके पास 10 से 15 मिनट होंगे, आपने सॉल्व करके मुझे वर्किंग टू दिखा देता हूँ बच्चे, मैं भी दिखा देता हूँ।
ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये। अच्छा बच्चे, अब ये क्वेश्चन मैं जल्दी से आपके साथ रीडिंग करने लगा हूं, तो नहीं होमवर्क में तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, ये क्वेश्चन जरा जल्दी से आप सॉल्व कर दें तो बेहतर है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है 31 दिसंबर 2018 की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लाइन आइटम ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट नॉक ऑफ होगी नेट एसेट्स के साथ सब्सिडियरी के, इसके बाद करंट एसेट लाइन आइटम ऐड करेंगे। ये बच्चे आप फॉर द टाइमिंग इसको इग्नोर कर दीजिएगा, इस फिगर को और इस फिगर को आपने कंसीडर करना है 30,000, इसको आपने समझना है ये 30,000, ठीक हो गया। इसी तरह से शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, करंट लायबिलिटीज की भी फिगर, और ये बच्चे आपने फिगर इसको भी इग्नोर कर देना है और इस फिगर को आपने समझना है ये 14,000 की फिगर, ये 14,000। जल्दी से बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। 7500 शेयर्स बाय किए हैं 1 जनवरी को, एक्विजिशन डेट है, रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है ये प्री एक्विजिशन रिजर्व, जल्दी सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या बैलेंस है। आप लोगों के पास 10 मिनट है पूरे, ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है सारे का। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए विजिबल और कर देता हूं जी, जल्दी से सॉल्व करने के बाद मुझे रिस्पांस दीजिएगा कि सॉल्व हो गया, आज ग्रुप बन जाएगा, फिर उसके बाद बच्चे मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ असाइनमेंट भी और होमवर्क के क्वेश्चंस एडिशनल सॉल्व आपके साथ शेयर करूंगा जी। बच्चे मेरा ये नंबर ये है, आप ऐड कर दीजिएगा, बाकी जो बच्चे हैं वो फिर रिक्वेस्ट भेज देंगे तो उसको उनको भी ऐड कर लेंगे हम लोग बाद में, ठीक हो गया। अभी फिल वक्त ये मेरा नंबर नोट कर दीजिए।
एक बच्चे का मैसेज आ गया है, उसने सॉल्व कर लिया है, बाकी लोग भी करें सॉल्व। जैसे ही सॉल्व हो जाता है मुझे बताइएगा। जी बच्चे सॉल्व कर लिया आप सब लोगों ने, मैं आपका वेट कर रहा हूं।
जी बच्चे एग्री कर गया आप लोगों का टोटल टैली कर गया। ठीक है टैली कर गया सब लोगों का, किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो मैं सॉल्व कर देता हूं। ये वर्किंग फोर थोड़ी सी बता रहे हैं रिजल्ट्स की। वर्किंग फोर इसकी बता दूं? जी सर बिल्कुल अभी बता देता हूँ वर्किंग फोर। देखिए बच्चे रिजर्व्स, रिजर्व्स की फिगर है 20,000, ये टोटल फिगर है 20,000। आपने इसके दो टुकड़े करने हैं, एक बच्चे प्री और दूसरा पोस्ट। प्री की फिगर देखें हमें 12,000 बताई हुई है एग्जाम में, 12,000 प्री की फिगर। अब पोस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 20,000 इसमें से माइनस करना है 12,000 प्री की फिगर को और इज इक्वल टू बैलेंस है 8,000। ठीक हो गया। अब हमें इसको भी फर्दर बाइफरकेट करना है सीओसी और एनसीआई। सीओसी में 75% क्योंकि पेरेंट ने 75% कंट्रोल एक्वायर किया है, 7500 शेयर्स हैं आउट ऑफ 10,000, 75% कंट्रोल। एनसीआई के पास 25%। इसी तरह से बचे ये सीआरई और एनसीआई का बैलेंस, इसमें कितना ट्रांसफर होना है 75% सीआरई में ट्रांसफर होना है और 25% एनसीआई में ट्रांसफर होना है। तो 8000 का 75% 6000 और 8000 का 25% 2000, 12000 का 75% 9000, 12000 का 25% 3000। ठीक हो गया जी बच्चे, मुझे बताइएगा ये बात क्लियर हो गई है? आप इसकी पिक लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिएगा, नोट करना चाह रहे हैं तो नोट भी कर ले। और कोई वर्किंग? सर जो आपने अभी वर्किंग की है वो नजर नहीं आ रही है, क्वेश्चन नहीं आ जा रहा। ओहो आप मुझे बता ही नहीं रहे, अब आपको नजर आई है वर्किंग? जी सर आ गई, वो मुझे समझ आ गया तो मैंने कहा शायद नेट में आपकी शायद इशू ना। माजरत माजरत, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो स्क्रीन शो ही नहीं हो रही है। जी बच्चे सब लोगों को क्लियर है? किसी को कोई सवाल पूछना है? चलें आज ग्रुप बन जाएगा इंशाल्लाह दोनों, कोई एक बच्चे ने तो कह दिया है, कोई बच्ची भी बना ले और फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह उस पर असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया जी बच्चे इंशाल्लाह। आंसर मैच नहीं किया आपका, देख लीजिएगा कोई गलती ना हो। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं टोटल भी आप लोगों के साथ करवा दूंगा, ये टोटल करके देखिएगा ZL का, कहीं क्वेश्चन में गलती तो नहीं होगी मेरे से करते हुए। इन दोनों को सम करके देखें 44,000 बन रहा है। तो ये जो आपने आज एग्जांपल्स करवाएंगे सर प्लीज ये भी शेयर कर दीजिएगा, वो रिवाइज करने के लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं बिल्कुल करूंगा अरहम साहब, मैं बिल्कुल करूंगा। 44,000 10,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000, जी टैली होना चाहिए, टैली होना चाहिए। चले आप ऐसा कीजिएगा एक दफा दोबारा कोशिश कीजिएगा अपने एंड पे, बिल्कुल होना चाहिए टैली। एक दफा अपने एंड पे दोबारा कोशिश कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगर नहीं हो पाया तो कल आप मुझे बताइएगा, कल मैं आपको क्लास में सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته